हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मॉम ये देखिए। मैम ये लेटेस्ट डिजाइन है मैडम, आजकल मार्केट में बहुत चल रहा है, हीरोइनें भी यही पहन रही हैं। क्या फिल्म हीरोइनें यहाँ से लेके जाती है? मैम उनके आदमी ले जाती है। जी हाँ, सभी लोगे क्या? मॉम मुझे पता है मुझे क्या खरीदना है, और मेरी शादी है ना मामा। ठीक है भैया, पैक कर दो। ये आजकल के बच्चे फैशन के नाम पे कुछ भी नहीं सुनते। भैया बैग दिखाइए। एक मिनट, ये मैम। नो, ग्रीन वाला। अच्छा ये लीजिए। वाओ मामा देखिए। अच्छा है, तुझे पसंद है, ठीक है ले लो। भैया ये पैक कर दो। ओके आए ना मामा। चल और कुछ लेना है तो अभी बोल, देखते हैं। रेडी सर, उठिए सर। रेडी सर, सर सर उठ जाइए, एसी पी सर आने वाले हैं। कमाल, एसीपी साहब के नाम से भी नहीं उठा, मामला गड़बड़। सर आपके नाम से डरा के भी उठाने की कोशिश की सर, पर अरे एसीपी साहब के नाम से नहीं उठा तो मेरा नाम क्या करेगा। पानी मारो पानी, ले मुझ पे क्यों डाल रही हो पानी? डालना है तो सब्जी में डालो, जल जाएगी। एसीपी साहब, फ्रेडी की वाइफ ने भाजी जला दी। वाइफ ने नहीं, पानी नहीं, मैंने जलाई सर। ब्यूरो में सो रहा है, हैं? क्या करूं सर, आज सुबह जल्दी उठना पड़ा मुझे। भाई खमूड़ एकदम खराब था, सारा खाना मुझे बनाना पड़ा सर, फिर भी वो खुश नहीं हुई। अच्छा, फिर क्या करता सर, सारे बर्तन साफ करने पड़े मुझे। देखिए हमें अपना काम करने दीजिए। हाँ काम कैसे करना है हम अच्छी तरह से ही जानते, आपको सिखाने की कोई जरूरत नहीं। नहीं नहीं, इन्वेस्टिगेशन चालू है, आपको बता देंगे। ओके। अरे क्या हुआ, तुम लोग ऐसे क्यों खड़े हो? सर फ्रेडी ने आज घर में सब्जी जला दी। क्या तुमने सब्जी जला दी घर में? हे भगवान, अब इसे मदद कौन करेगा? अभिजीत सर से कहो कि मेरी वाइफ से बात करे, वरना आज मैं घर में नहीं घुस सकता सर। अभिजीत एक काम करो जरा। सर मैं काम। अच्छा चलो ठीक है, विवेक तुम फ्रेडरिक्स के बीवी से बात करो। सर, 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 इसे मत बोलना सर, ये हमेशा आग लगा देता है सर। अरे फ्रेडरिक देखो वो... एसीपी साहब मेरी बेटी का कुछ पता नहीं चल रहा है, पता नहीं वो कहाँ चली गई है। एक मिनट, देखिए हम आपकी बेटी को ढूंढ निकालेंगे, आप चिंता मत कीजिए। कब से गायब है आपकी बेटी? पिछले दो दिन से उसका कुछ पता नहीं चल रहा। आखिरी बार कब देखा था आपने उसे? आखिरी बार एक महीने पहले, वो शूटिंग के लिए ऊटी गई थी, पर पिछले दो दिन से उसका कुछ पता नहीं चल रहा, उसका फोन भी बंद आ रहा है। क्या नाम क्या आपकी बेटी का? उदिता, एक एड फिल्म की शूट के लिए गई थी। अच्छा, तो आपके पास उदिता का फोटोग्राफ वगैरह होगा ही? फोटो नहीं, उसका कोई फोटो तो नहीं है मेरे पास। मैंने घर में भी बहुत ढूंढने की कोशिश की लेकिन एक फोटो भी नहीं मिला, पता नहीं वो कहाँ छोड़ के चली गई। अच्छा ये बताइए, क्या आप उदिता का स्केच बनवा सकती है? जी करूंगी। गुड, ताशा इन्हें ले जाओ और बेटी का स्केच बनवा लो इनसे। थैंक यू सर। फ्रेडरिक्स पता करो ये लड़की ऊटी में कौन से होटल में ठहरी थी और किस एड एजेंसी के लिए काम कर रही थी। हुँ?
यस सर। हेलो जी, हाँ बोल रहा हूं। व्हाट, कहां पे? ठीक है, हम लोग सर एक बुटीक में एक बैग के अंदर एक लड़की का कटा हुआ सर मिला है। यहाँ के मैनेजर आप हैं? जी मैं हूँ यहाँ का मैनेजर। आप स्टोर्स के मैनेजर हैं? मैनेजर साहब यहाँ बैग बेचते हैं कि लाश? सर हम लोग तो बैग ही बेचते हैं, पता नहीं ये कटा हुआ सर कहाँ से आ गया इस बैग में। ऐसा ही होता है, याददाश्त अचानक चली जाती है, पता नहीं। सर एक बात बताइए, आपको ये कटा हुआ सिर मिला कैसे? हमने कुछ नहीं किया। हम तो यहाँ शॉपिंग करने आए थे शादी के लिए। जिया ने बैग पैक करने को बोला तो उसमें से ये निकला। बैग पैक कौन कर रहा था? सर वो मैंने। आप बैग पैक कर रहे? सर वो मैंने पैक करने के लिए पैकिंग निकाली तो देखा बैग में कटा हुआ सर था। बाकी की लाश कहाँ है? लाश? हाँ बाकी की लाश कहाँ है? सर हम तो बैग बाहर से मंगाते, हमें कुछ नहीं पता सर। मुझे तो लगता है इसका खोली दुकान वालों ने मिलकर ही किया है। अरे ये क्या कह रही है मैडम आप, अगर हमें पहले से पता होता तो हम ये बैग दिखाते आपको। अभिजीत, बैग में से औरत का कटा हुआ सिर मिलता है, देखने पर लगता है कि उस औरत का गला चाकू से काटा है। सर पूरा चेहरा भी चाकू से काटा है ताकि पहचाना ना जा सके। वही तो बात बताइए, ये बैग्स आप मंगाते कहाँ से? सर ज्यादातर हम लोग बोरीवली के रिटेलर से मंगाते हैं सर, 2 नंबर का माल है सर, वहाँ सस्ते में मिल जाता है। 2 नंबर? कौन है तुम्हारा 2 नंबर का आदमी? जी धर्मेश। क्या बात कर रहे हैं साहब, खून? अरे ठीक है मैं 2 नंबर का माल बेचता हूँ, लेकिन ये खून मेरे बस की बात नहीं है साहब। ज्यादा मैं कौन हूँ? इसको तो कंप्यूटर ही नहीं लगे, फिर से पूछो। नहीं साहब मैं सब सच बताता हूँ। याद आ गया? याद आ गया साहब। जरा बैग की फोटो दिखा, ये बैग तुमने बेचा था मदन? साहब इस तरह के बैग तो हम बेचते ही रहते हैं, लेकिन सारा माल बाहर से आता है, हम घर में थोड़ी माल बनाते हैं। फिर से हिल गया तेरा कंप्यूटर? नहीं साहब आपके कंप्यूटर बिल्कुल ठीक है। इसका मतलब जहाँ से तुमने बैग खरीदा उसने रखा ये सर बैग के अंदर? हाँ साहब हो सकता है। कहाँ से लाया था बैग? साहब इस बार माल मैं लेके नहीं आया, इस बार माल छोटू लेके आया। अब छोटू पता नहीं कहाँ से बैग लाया है। अरे छोटू, अरे बाहर निकल, मेरी पिटाई देखता रहेगा, बताएगा भी साहब को कुछ। निकल, बाहर निकल। देख सब कुछ सच सच बताना, नहीं तो तू और तेरा मालिक दोनों जेल के अंदर, समझा? सब इस बार तो माल मैं फ्लीस मार्केट से लाया था। सब मैं रात को टैक्सी चलाता हूँ, परसों रात को खुल्ला स्टेशन से एक आदमी बैठा था मेरे टैक्सी में, सर उसी ने ये बैग मेरे टैक्सी में छोड़ दिया सर। सवेरे उठ के जब मैंने बैग देखा सर तो उसमें कटा हुआ सर था सर। तो फिर तुमने पुलिस को क्यों नहीं बताया? सर मैं डर गया था सर, मैंने सोचा पुलिस मुझे ही कहीं अंदर ना कर दे, तो मैंने सोचा कि अपने दुकान में ही बैग को छिपा दूंगा और मौका मिलते ही बैग को कहीं दूर फेंक दूंगा। लेकिन इससे पहले कि मैं बैग को फेंकता, छोटू ने वो बैग लेकर सर ये दुकान से चला गया सर। वो आदमी दिखने में कैसा? सर वो काले रंग का कोट पहना हुआ था सर उसने। और कुछ याद है उसके बारे में? सर संतरा, संतरे की 10-12 पेटियां थी उसके साथ सर। संतरे की पेटियां? ये पैसेंजर किस ट्रेन से आया था कुछ मालूम है तुम्हें? सर ये तो मालूम नहीं कि कुल्ला में रात को 2 बजे कौन सी ट्रेन आती है सर। और उसे छोड़ा कहाँ पे? शाही नगर सर्कल। हेलो, हाँ जी तारिका जी। हाँ ठीक ठीक है, मैं अभी आता हूँ। क्या जरा ताई नगर जाके उस पैसेंजर के बारे में पता करो, मैं थोड़ा फोरेंसिक लैब जाता हूँ, मामला बहुत सीरियस है।
क्या बात है तारिका जी, बहुत सीरियस लग रही हैं आज। मतलब क्या? क्या कुछ पता नहीं चलेगा क्या? इस चेहरे पर जो घाव है वो कहीं कहीं पर काफी गहरे हैं। खूनी ने चेहरा खराब करने की पूरी कोशिश की ताकि पता ही नहीं चले ये है कौन। मतलब क्या है? मतलब ये पता ही नहीं चलेगा ये है कौन? एसीपी साहब, लड़की की उम्र 20-22 साल के आसपास है। इसकी हाइट 5'6" है और इसे मरे हुए लगभग 48 घंटे हो गए। गला घोट कर मारा गया इस लड़की। गला घोट कर? सर, इसका तो सर ही काट दिया, गला कैसे घोटा होगा? पेड़ी, पहले इस लड़की का गला घोटा गया और बाद में इसका सर धड़ से अलग कर दिया। और कुछ पता चला? आइए दिखाता हूं। ये क्या है? वुलन फाइबर। बॉस, ऐसे फाइबर कंबल में मिलते हैं, वुलन ब्लैंकेट। और आप देख रहे हैं इन रेशों का रंग हल्का नीला है। मुझे लगता है ये कंबल रेलवे का होगा, क्योंकि अक्सर ऐसे रंग के कंबल रेलवे में ही इस्तेमाल होते हैं। कोई ऐसा है तो नहीं इस लड़की की मौत ट्रेन में हुई हो? लगता है खूनी ने इसका गला काट कर इसका धड़ वहीं कहीं फेंक दिया, बाद में इसका सर भी कहीं फेंकने वाला। कमाल कर दे डॉक्टर, मान थैंक यू। वैसे अभिजीत, एक बात और है जो तारिका जी नहीं जानती है। अच्छा, वो भी बता दीजिए। बस, इस लड़की के दांतों में हमें संतरे के रेशे मिले। संतरे की पेटियां थी उसके पास करीबन 10-12। सर, वो टैक्सी ड्राइवर जगदीप जिसने उस पैसेंजर को छोड़ा था, उसने बताया था कि पैसेंजर के पास संतरे की पेटियां थी। तो कहीं ये लड़की उस पैसेंजर के साथ में तो नहीं थी? अच्छा, तो फिर अभिजीत, इस पैसेंजर को ढूंढना चाहिए। समझे? क्या तुम इस लड़की का चेहरा रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हो? बस, पिछले 12 साल से आप लोगों के साथ काम कर रहे हैं, मुझे मालूम था आप ये कहने वाले, इसीलिए मैंने डॉक्टर तारिका को पहले ही इसका चेहरा रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए बोल दिया है। थैंक यू। टैक्सी ड्राइवर जगदीप के हिसाब से वो पैसेंजर टैक्सी से यहीं पे उतरा था। सर, लेकिन यहाँ पर तो सिर्फ बिल्डिंग्स ही बिल्डिंग्स हैं, यहाँ पर कैसे मिलेगा वो? जगदीप ने ये भी कहा था कि उसके पास संतरे की पेटियाँ थी। सर, संतरे की पेटी थी मतलब वो जरूर फ्रूट मार्केट में गया होगा, फ्रूट मार्केट यहीं पर है पास। चलो फ्रूट मार्केट में जाके पूछते हैं, शायद किसी ने उसे देखा हो। आप यहाँ पर? हाँ। कल रात को, 2 दिन पहले रात को एक आदमी आया था संतरे का पार्टी लेके, यहाँ पे आया था? नहीं, यहाँ तो कोई नहीं आया। नहीं, मैं नहीं था, दूसरा कोई होगा। सुनिए भाई साहब, आपका ठेला है? हाँ जी। एक आदमी नागपुर से आया था 10 पार्टी संतरे का लेके, 2 दिन पहले रात को। संतरे की 10 पेटियाँ? हाँ, हम लोग गैरी से। हाँ, आया तो था। आया था? हाँ, देखो ये खून का मामला है। जी हाँ, उस आदमी के बारे में जो कुछ भी मालूम है बता दो। वो उसका नाम मालूम है? नाम तो नहीं मालूम है, वो कह रहा था कि वो नागपुर से आया है। अच्छा, एड्रेस है वहाँ का आपके पास? एड्रेस है मेरे पास, उसने कार्ड दिया था अपना। एड्रेस एड्रेस ये। थैंक यू। अच्छा, उस आदमी को ब्यूरो लेके चलो। ब्यूरो? देखिए, डरने की कोई बात नहीं है, आप हमारी मदद कीजिए उस आदमी का स्केच बनवाने में, ठीक है? साहब, लेकिन हमारा क्या गलती है? अरे हम जानते हैं, स्केच बनवा दो, कुछ नहीं होगा। चलो। ये खून अचानक नहीं किया है अभी जी, बड़े चालाकी से दिमाग लगा के किया है। एक बात है सर, उसे खून करते हुए किसी ने देखा कैसे? ट्रेन में तो इतने सारे लोग होते हैं। वही तो, एक बार पता चल जाए ना कि ये लड़की है कौन, सारे राज खुल जाएंगे। सर, ऊटी के सारे होटल्स में इंक्वायरी की। सर,
उदिता का कहीं भी पता नहीं चला। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि सारे ऊटी में कहीं भी एड फिल्म की शूटिंग नहीं हो रही है। क्या? सर, डॉक्टर तारिका ने उस लड़की का चेहरा बना दिया। क्या हुआ सर? ये तो उदिता है सर। दामिनी की लड़की उदिता? ये कैसे हो सकता है सर? ये उठी गई नहीं, ये यहीं पे थी। इसने अपनी माँ से झूठ क्यों बोला? अभिजीत, जरूर इस उदिता का उस ट्रेन वाले से कोई ना कोई संबंध है। पता करो रात के 12 और 2 बजे के बीच कौन सी ट्रेन नागपुर से आती है। कैच बन गया सर। गुड अभिजीत, इस स्केच से तो हम आसानी से खूनी तक पहुंच सकते हैं। वो कैसे सर? विक, याद है तुम्हें टैक्सी वाले ने क्या कहा था? टैक्सी वाले ने कहा था कि उस आदमी के पास बहुत सारी संतरे की पेटियां हैं। हाँ, स्टेशन पे किसी न किसी कुली ने तो संतरे की पेटियां उतारी होगी। बस उस कुली को ढूंढो, उस कुली से पता चल जाएगा कि वो आदमी ट्रेन के किस डिब्बे में बैठा था। बस उस डिब्बे में जितने भी पैसेंजर सफर कर रहे थे उनकी लिस्ट तुम्हें रेलवे से मिल सकती है। ये देखिए, यही एक ट्रेन है जो बुधवार रात को 1:30 बजे आती है सर, नागपुर से कुंडला, नागपुर मेल एक्सप्रेस। ओके, वो संतरे वाला आदमी इसी ट्रेन से आया होगा नागपुर मेल से। क्या बात है पेटी? जब से मैंने कुछ बोला है साफ चुप होता ही नहीं। क्या बोल दिया पेटी? अरे सर, ये पुलिस लोग जो है ना, हमारे आंख और कान है सर। इन्होंने देखा है इस संतरे वाले को। देखा है? क्या यही था वो आदमी? हाँ साहब, यही था। पूरे 10 पेटी संतरा था इसके पास। मैं खुद इसे टैक्सी तक छोड़ कर आया था। बार बार किसी को फोन कर रहा था। फोन कर रहा था? क्या बात कर रहा था, कुछ सुना तुमने? नहीं साहब, 10 पेटी संतरा उठाकर मेरी हालत खराब थी। मैं क्या सुनता कि वो क्या बोल रहा था? अरे ये तो बताओ, उसके हाथ में क्या था? साहब, उसके हाथ में एक ऑटो वाला बैग था। ऑटो वाला था? हाँ सर, इसीलिए लगातार मैं हंसे जा रहा हूँ। जेंट के हाथ में लेडीज बैग। तो ये आदमी किस कोच में बैठा है? साहब, कोच नंबर A1 में। A1? A1 कोच से कितने पैसेंजर्स हैं? लिस्ट लेकर। यस सर। कोच नंबर A1। उदिता, 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 उदिता। उदिता का नाम ही नहीं इस लिस्ट में। अभिजीत, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो आदमी बैठा होगा किसी और डिब्बे में और कुली ने तुम्हें कोई और डिब्बा दिखा दिया? नहीं सर, कुली को अच्छी तरह से याद है A1, क्योंकि उसका सामान उतारते समय उसका कुर्ता फट गया था। कुछ और बताया उसने? सर, वो कह रहा था कि उस आदमी के साथ कोई औरत तो थी नहीं, वो अकेला था, लेकिन उस आदमी के हाथ में एक लेडीज हैंडबैग था। उस आदमी के हाथ में लेडीज हैंडबैग? जेंट्स के हाथ में लेडीज हैंडबैग? प्रेडिक्स, ये कोई हंसने वाली बात नहीं, चौंका देने वाली बात है, समझे? विक, काम करो, कोच नंबर A1 में जितने भी लोग हैं उन सबको बुला लो। किसी ने तो देखा होगा खूनी को। आप लोगों ने हमें क्यों बुलाया यहाँ? हमने तो कुछ भी नहीं किया है। देखिए, आप लोग घबराइए मत, हमें मालूम है आप लोगों ने कुछ नहीं किया है। तो फिर क्यों बुलाया सर? देखिए, हमें आप लोगों की मदद चाहिए। एक खून हो गया, उस सिलसिले में आप लोगों से पूछताछ कर ली है। खून? जी हाँ, खून। हम लोगों ने कोई खून नहीं किया है सर। देखिए, हमने कब कहा कि तुम में से किसी ने खून किया है? पहले हमारी बात तो सुन लो। देखिए, उस रात जब आप लोग नागपुर से ट्रेन से वापस आ रहे थे, आप लोग कोच A1 में बैठे थे। उसी रात आप ही के डिब्बे में एक आदमी ने एक लड़की का खून कर दिया। हो सकता है वो आदमी आपके आसपास बैठा। कौन था वो सर? अगर हमें पता होता तो आप लोगों को क्यों बुलाते हैं? यही तो पता करना कि कौन था। स्केच और फोटो को ध्यान से देखिए, क्या ऐसा कोई आदमी और औरत आप लोगों के साथ सफर कर रहे थे? हाँ सर, ये दोनों हमारे साथी थे उस दिन डिब्बे में। क्या मतलब, ये लड़की थी डिब्बे में?
मगर सर पैसेंजर लिस्ट में तो इस लड़की उदिता का नाम है ही नहीं। उदिता? कौन उदिता? वो आदमी तो इस लड़की को स्वाति स्वाति कह के बुला रहा था। स्वाति? हाँ, मेरे सीट के एकदम पास ही बैठे थे वो लोग। हाँ सर, लोग सच कह रहे सर, स्वाति का नाम है इस लिस्ट में। स्वाति? तो उदिता स्वाति बन के सफर कर रही थी। एग्जैक्टली। उसके बाद किसका नाम है? उसके बाद गिरीश। गिरीश? सर ये है अपना आदमी, ये खूनी है सर, गिरीश। गिरीश? अच्छा, और कुछ याद आता है आप लोग? हाँ सर, हम लोग तो खाना खाकर जल्दी सो गए थे और रात को जब मैं बाथरूम जाने के लिए उठा तो स्वाति वहाँ नहीं थी। हाँ, मैंने पूछा भी था उससे स्वाति के बारे में, तो उसने कहा मुझे कि वो दो स्टेशन पहले ही उतर गई थी। अच्छा, तो इसका मतलब है अभिजीत, उदिता का खून इसी बीच हुआ है जब ये सब लोग सो रहे थे। दामिनी को इन्फॉर्म करना पड़ेगा उदिता के बारे में। आ रहा हूं भाई। अरे भाई, दरवाजे तक पहुंचने में टाइम तो लगेगा ना। जी कहिए। दामिनी मैडम को बुलाओ, हमें मिलना उनसे। मैडम तो घर पर नहीं है, बाहर गई है। बाहर कहाँ गई है? पर आप लोग हैं कौन? CID। CID? हाँ, अब बोलो मैडम कहाँ? मैडम तो मॉरिशस में है। उनका कोई फोन नंबर वगैरह है तुम्हारे पास? नहीं साहब, मैडम नंबर देकर नहीं जाती। वो क्या, उन्हें अच्छा नहीं लगता कोई उन्हें छुट्टियों में परेशान करे। अच्छा, उनकी बेटी उदिता, उसके बारे में कुछ पता तुम्हें? सब मुझे कैसे पता होगा, मुझे तो अभी एक हफ्ता हुआ यहाँ आए। अच्छा, कमाल है, बेटी घर से गायब है और माँ छुट्टियां मना रही है मॉरिशस में, और ये नौकर नया है, ऐसा कुछ मालूम नहीं है। विवेक, ताशा, शुरू हो जा, ढूंढो, देखो कुछ मिलता है क्या। ये देखिए, सिग्नेचर्स में सारे नकली सर्टिफिकेट्स, नकली स्टैंप पेपर, ये चक्कर क्या है? सर जरूर कुछ गड़बड़ है सर, ये दामिनी फ्रॉड है। क्या हिस्सा है सर? ये देखिए, अलग अलग बैंक के ब्लैंक चेक्स, वो भी साइन किए। से औरत नकली पेपर्स बना के लोगों को नई पहचान देती है। मतलब किसी दूसरे आदमी की पहचान को किसी और आदमी के नाम पे डालना। सब समझ में आ रहा है इस दामिनी का चक्कर। इसके दिखाने के दांत और हैं और खाने के और। चलो। अरे मैडम, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, आपके घर पे दो बॉक्स जो है जर्मन ब्लूबेरीज के पहुंच जाएंगे। अरे नहीं मैडम, पूरे नागपुर में हमारी दुकान के सिवा ये आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। जी कहिए। देखिए, हमें एक नए तरह का फ्रूट चाहिए। देखिए, जो बाजार में फ्रूट मिलता है वही हमारे इस स्टोर में मिलता है। अब मैं आपके लिए कोई पेड़ तो नहीं लगा सकता ना? हमें गिरीश नाम का फ्रूट चाहिए। गिरीश? उसका तो पेड़ लगाया है ना आपने अपने घर में? गिरीश? यही काम करता है ना? जी वो काम तो नहीं करता यहाँ, लेकिन हाँ हमारे यहाँ से फ्रूट की पेटियां ले जाके मार्केट में डिलीवरी जरूर करता है, और वो भी कभी कभी। कभी कभी मतलब? आप लोग कौन? CID। CID? जी हाँ। आपने गिरीश को कहीं भेजा था?
संतरों की पेटियों के साथ? हाँ साहब, मैंने उसे मुंबई भेजा था। मैं खुद गया था स्टेशन पर माल छोड़ने के लिए। ये लड़की भी थी उसके साथ? जी हाँ, ये तो स्वाति है, ये भी उसके साथ मुंबई गई थी। तुम जानते हो स्वाति? मैं? सर मैं क्या, इसे तो कौन नहीं जानता है। ये जो हमारे स्टोर की मालिक है ना बलवंत जी, उनकी बेटी है। और ये गिरीश, गिरीश कौन है? गिरीश बलवंत जी का बॉडीगार्ड है। गिरीश बॉडीगार्ड है बलवंत जी का? मतलब गिरीश ने ही अपने मालिक की बेटी का खून कर दिया? क्या स्वाति मैडम का खून हो गया? जी हाँ। ये गिरीश कहाँ है? जी गिरीश तो सिटी हॉस्पिटल में भर्ती है। कल रात को उसका एक्सीडेंट हो गया था। अच्छा कमाल, मुंबई में खून किया, नागपुर में आते ही एक्सीडेंट। जी एक काम करते हैं, फिलहाल इस गिरीश को भूल जाते हैं, पहले इस बलवंत से मिलते हैं। अरे पूछ मत, बड़ा मजा आया। मैं तो चाहूंगी कि ऐसी पार्टियां घर में रोज होती रहे। अरे हर कोई आया है, मैं तुझे बाद में फोन करती हूँ, ठीक है? चल बाय। माफ कीजिएगा, मैंने आप लोगों को पहचाना नहीं, कौन है आप लोग? देखिए हम लोग बलवंत जी और उनके पूरे परिवार से मिलना चाहते हैं। पूरे परिवार से? जी हाँ। कौन है आप लोग? हम लोग CID से हैं और स्वाति के बारे में कुछ बात करते हैं। स्वाति? क्या हुआ स्वाति को? बोलिए ना आप लोग, चुप क्यों है? क्या हुआ मेरी बेटी को? बेटी? जी हाँ, वो मेरी छोटी बहन है। वो ठीक तो है ना? जी नहीं, ठीक तो नहीं है। क्यों? क्या हुआ? आप, मैं रूपाली का पति मयंक। देखिए स्वाति का किसी ने खून कर दिया है। क्या? हमें उसकी लाश मुंबई में मिली है। मुंबई में? ऐसा कैसे हो सकता है? मेरी बेटी तो अमेरिका में, न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क में? हाँ, वहां वो फिल्म का कोर्स कर रही है। देखिए उसकी लाश फोरेंसिक लैब में है, आप लोग चाहे तो देख सकते हैं। और हमें शक है कि स्वाति का खून आपके यहाँ काम करने वाले गिरीश नाम के आदमी ने किया है। स्वाति मेरी सौतेली बेटी, मुझे 16 साल बाद भी। 16 साल बाद? मतलब? मेरी दोनों बेटियां मेरी पहली शादी से, मैं अपनी पहले पति के मौत के बाद जब बलवंत से शादी की, उस वक्त स्वाति गुस्से में घर छोड़ के भाग गई थी। फिर क्या हुआ? फिर उस वक्त मैंने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला। डेट मिलने पहले अनाथ आश्रम वालों ने उसे मेरे पास पहुंचाया। अनाथ आश्रम वालों को कैसे पता चला कि स्वाति तुम्हारी ही बेटी है? बचपन में उसके गले में एक लॉकेट था, मेडिकल रिपोर्ट और जन्म के वक्त उसके पैर पे जो निशान थे उससे पहचान। स्वाति को पाकर हम लोग बहुत खुश थे, मगर एक दिन। क्या हुआ एक दिन? असल में पापा उसकी शादी कराना चाहते थे, लेकिन शायद वो शादी से खुश नहीं थी, इसलिए एक बार फिर घर छोड़कर भाग गई। और इसीलिए हमने आप लोगों से झूठ बोला कि स्वाति अमेरिका चली गई, ताकि हमारी बदनामी ना हो। आदे। क्या? अच्छा? ओह। तो ठीक है, सारे पेपर्स लेके आओ। हाँ ओके। क्या हुआ सर? ये दामिनी तो बड़ी फ्रॉड निकली, उसके घर में से नकली बर्थ सर्टिफिकेट्स और अलग अलग बैंकों के साइन किए हुए चेक्स मिले हैं। तब पता कैसे चले कि ये स्वाति बेटी है किसकी? सारिका जी, मैं आपका और रूपाली का DNA टेस्ट करना चाहता हूं। आप दोनों के DNA हम स्वाति के DNA से मैच करके देखेंगे, ये पता लगाने के लिए कि स्वाति आपकी ही बेटी है क्या।
क्या कह रहे हैं? हमें शक है कि स्वाति आपकी बेटी नहीं है। 16 साल के बाद बेटी घर में वापस आती है और कुछ दिनों बाद उसका खून हो जाता है। बात बड़ी अजीब है सर। इस स्वाति और उदिता का जरूर कोई ना कोई कनेक्शन है सर। हाँ, और ये दामिनी भी मिली हुई है इसमें। एक बार ये डीएनए की रिपोर्ट्स मिल जाए ना तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। डॉक्टर बुआ जी कहिए, ये गिरीश के कोई रिश्तेदार वगैरह आए थे क्या? सर 2 दिन हो गया लेकिन अभी तक तो कोई आया नहीं। तो फिर गिरीश को यहाँ लेकर कौन आया? एक ऑटो वाला कह रहा था कि सड़क पे पड़ा हुआ तड़प रहा था तो उसे उठा के ले आया। अच्छा, उसके पास से कुछ सामान वगैरह मिला? जी संभाल के रखे मैंने। हम लोग देख सकते हैं? जी बिल्कुल। मैडम अर्जेंट आपको ओपीडी में बुलाया है। अच्छा हाँ। पर तुम कौन हो? मैंने पहले तो तुम्हें कभी यहाँ नहीं देखा है। मैं नया वार्ड बॉय, कल ही मैंने ज्वाइन किया है। अच्छा, तो पेशेंट का जरा तुम ध्यान रखना, मैं थोड़ी ही देर में वापस आती हूँ। जी सुगंधा होटल टेबल नंबर 5। होटल सुगंधा? ये तो 5-स्टार होटल है सर। ये गिरीश वहां क्या कर रहा था? जाता तो सीआईडी छोड़ दो। सीआईडी छोड़ दो? बता, किसने भेजा था तुझे गिरीश का फोन करने के लिए? मैं नहीं जानता साहब कौन है वो। ज्यादा टाइम नहीं है मेरे पास, सीधा ऊपर जाएगा यहाँ से, समझा? मैं नहीं जानता, मैंने कभी उसे देखा ही नहीं। देखा नहीं तो गिरीश को मारने कैसे पहुंच गया? एक औरत का फोन आया था साहब, उसी ने मुझे गिरीश का खून करने के लिए बोला था साहब। कौन है वो औरत? मैं नहीं जानता साहब, सिर्फ फोन आया था। फोन आने के थोड़ी देर के बाद मेरे दरवाजे पे कुछ पैसे और एक गिरीश का फोटो छोड़ गया कोई साहब। किस नंबर से फोन आया था? नंबर है तेरे पास? हाँ साहब, ये है साहब, 6:30 बजे फोन आया था साहब। पता कर किसका नंबर है ये? ये नंबर 1982367 50, ये नंबर यहीं का है ना? जी हाँ, नंबर तो यहीं का है। इस नंबर से 6:30 बजे किसी ने फोन किया था। जिस आदमी ने फोन किया था उस आदमी ने खून करने के लिए किसी को पैसे दिए। सर रात की ड्यूटी में तो इधर महेश रहता है और इस बारे में आपको वही सब कुछ बता सकता है। अच्छा, यहाँ कौन कौन लोग ठहरे हुए उनका नाम बता सकते हैं रजिस्टर में? तो ये वही है सर, दामिनी के घर से हमें जो पेपर्स मिले थे उस पर जो लिखाई थी और ये सिग्नेचर का जो हैंडराइटिंग है सर, ये दोनों एक जैसे हैं। अच्छा, जरा प्लीज हमें इस गेस्ट से मिलना है। इससे कहो कि तुमने जो 6:30 बजे जिसको फोन किया था वो लोग मिलने आए हैं। हाँ, आइए सर।
अब आप बैठ सकते हैं टेबल नंबर 3। नहीं नहीं, हमें कुछ पूछना है। आप जरा ये कार्ड देखिए, ये आपके यहाँ का। दो दिन पहले एक आदमी इसे लेके आया था, ये किसको दिया था कुछ याद आ रहा? ये पास तो खास मेहमानों को दिया जाता है। खास मेहमान मतलब? हमारे यहाँ एक चैरिटी प्रोग्राम हुआ था, उसमें जो खास मेहमान आए थे उन्हें ऐसे कार्ड से इशू किए गए थे। पर ये कार्ड आपके पास कहाँ से आया? इसके पास से। पहचानते हो उसको? आया था ये आदमी यहाँ पे। अरे ऐसे कैसे भूल सकता हूँ सर, इसने तो काफी हंगामा किया था यहाँ पर। हंगामा? कैसा हंगामा? इसने दारू पी ली थी और नशे की हालत में टुन होकर ये धमकी दे रहा था। किसको दे रहा था? एक औरत और एक आदमी को। औरत और आदमी कौन थे बोलो, कुछ बता सकते? पता नहीं कौन थे, पर उसके साथ ही थे, उन्होंने ही बुलाया था उसे। अरे लेकिन ये लोग तो टेबल नंबर 5 पे बैठे थे। टेबल नंबर 5 पे कौन बैठा था, इसका कोई रिकॉर्ड तो होगा ना आपके पास? हाँ सर, मैं अभी चेक कर। सुना फ्रेडी, ज्यादा दारू पीने से क्या होता है? सर लेकिन आप मुझे क्यों पूछ रहे हो? क्या भूल गया अपने पुराने दिन? अरे सर वो मिल गया, आइए प्लीज। टेबल नंबर 5 पे ये लोग थे। ये लोग कैसे हो सकते हैं? आप लोग? हाँ दामिनी जी, हम लोग। नाम मॉरिशस का और रेडी है इंडिया में, नकली आइडेंटिटी बनाता है। चक्कर क्या है गिरीश का? वो आदमी मुझे 2 महीने पहले मिला था। फिर उसने मेरी बात एक आदमी से करवाई, वो बोला कि उसे एक लड़की चाहिए जो नाम बदल कर किसी के घर में जा सके। कौन था वो आदमी, तुमने देखा उसे? नहीं, मैंने उसे कभी देखा नहीं। मेरी बात हमेशा उसके साथ फोन पर ही होती थी। तो तुमने उदिता को तैयार करके स्वाति बना के वहां भेज दिया? हाँ। फिर क्या किया स्वाति ने, मेरा मतलब है उदिता ने क्या किया? फिर वो अचानक ही गायब हो गई। मुझे ऐसे लगा कि वो पैसे लेकर भाग गए और मुझे पैसे नहीं मिलेंगे, इसलिए मैं आपके पास उसकी गायब होने की रिपोर्ट लिखाने आई थी। अब गिरीश को क्यों मारना चाहते हो? क्योंकि फिर से उसी आदमी का फोन आया था। जिस आदमी ने उदिता को स्वाति बनाया उसी का फोन था गिरीश को मरवाने के लिए? हाँ। अगर गिरीश तो उसी का आदमी। हाँ, लेकिन वो आज 5 बजे फिर से फोन करने वाला है। ले चलते इसे हमारे साथ, देखते कौन फोन करने वाला है 5 बजे। ये क्या बकवास कर रहे हैं आप लोग? भला मेरे ही परिवार का कोई आदमी मेरी बेटी को क्यों मरवाएगा? ये तो हम भी जानना चाहते हैं सारिका जी, कि कौन है वो जिसने पैसे दिए गिरीश को स्वाति का खून करने के लिए? मगर ये कैसे हो सकता है? हमें तो आप लोगों से ही पता चला कि स्वाति रियल में है। कौन? शायद आपसे पहले किसी और को पता हो। किसी और को? कौन है वो? वही जिसने खाना खाया था गिरीश के साथ होटल सुगंधा में। साफ साफ बोलो ऑफिसर, कौन है वो? आपकी बेटी रूपाली और आपका दामाद मयंक। रूपाली और मयंक? जी हाँ, रूपाली और मयंक, ये गए थे गिरीश से मिलने होटल सुगंधा में। क्या ये सच है रूपाली? चलो अब बता भी तुम
सच्चाई क्या है? नहीं मम्मी, मम्मी हम सच कह रहे हैं, हमने स्वाति को नहीं मरवाया। डैडा प्लीज हमारा विश्वास करो, हमने कुछ नहीं किया। फिर बताते क्यों नहीं, क्या किया है आप दोनों? हमें मालूम चल गया था कि स्वाति असल में कौन है, और ये मालूम चलने के बाद हमने उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया ताकि हमें थोड़ा कमीशन मिल सके। मगर गिरीश को हमारे बारे में पता चल गया और वो हमें ही ब्लैकमेल करने लगा। बस यही सेटलमेंट करने के लिए हमने उसे होटल में बुलाया था। पैसों के लिए इतना घिनौना काम किया तुम लोगों ने, सूरत नहीं देखना चाहता मैं तुम लोगों की। बस बात हो गई तुम लोगों की दुख भरी कहानी, हमारे साथ ब्यूरो चलो, सब अगर ठिकाने आ जाएगी, लेके चलो। आदे? ओके। 5 बजने वाले सर। मालूम है दामिनी। जी सर। वो तुम्हें 5 बजे ही फोन करने वाला है ना? जी सर, 5 बजे। ये उसी का फोन है। और याद रखना, उसे शक नहीं होना चाहिए कि हम उसकी आवाज रिकॉर्ड कर रहे हैं। हेलो। काम हो गया? जी काम हो गया। मैंने जिस आदमी को भेजा था उस पर किसी को शक तो नहीं हुआ? नहीं हुआ, वो वार्ड बॉय बनकर हॉस्पिटल में गया था। सर आपको कुछ ही देर में गिरीश की मौत की खबर मिल जाएगी। अच्छा है, बहुत अच्छा है। सर फोन काट दिया उसने। अच्छा, कोई बात नहीं, जो भी रिकॉर्ड हुआ है रिप्ले करो। हेलो। काम हो गया? जी काम हो गया। मैंने जिस आदमी को भेजा था उस पर किसी को शक तो नहीं हुआ? नहीं हुआ, वो वार्ड बॉय बनकर ही हॉस्पिटल में गया था, और कुछ ही देर में आपको गिरीश की मौत की खबर भी मिल जाएगी। अच्छा है, बहुत अच्छा है। प्रिडिक्स, आवाज से कुछ पता चल रहा है तुम्हें? कोई ऐसा आदमी जिसे तुम पहले कभी मिले हो? नहीं सर। और ताशा तुम? नो सर। दामिनी, कुछ पता चल रहा है तुम्हें ये कौन हो सकता है? नहीं सर। सर रिप्ले करो। यस सर। हेलो। काम हो गया? जी काम हो गया। मैंने जिस आदमी को भेजा था उस पर एक मिनट यस। बैकग्राउंड में कुछ आवाजें सुनाई दे रही है। सुनो, इसे रिप्ले करो और देखो क्या तुम बैकग्राउंड की जो आवाजें हैं उन्हें एनहांस कर सकते हो क्या? या आई ट्राई सर। तुमने जिस आदमी को भेजा था जर्मन ब्लूबेरीज। जर्मन ब्लूबेरीज? आपके घर पे 2 बॉक्स जो है जर्मन ब्लूबेरीज के पहुंच जाएंगे। सर ये फोन किसी ग्रोसरी मार्केट से किए गए। ग्रोसरी स्टोर्स? ए, चले जरा। ए, इधर आ सब। चल खड़ा हो जाए। एक मिनट, हाल बेचता है इधर। फोन करवा दे यहाँ पे। खड़ा इधर। क्या बात है साहब? यहाँ से आधे घंटे पहले किसने फोन किया था? यहाँ से? हाँ यहाँ से आधे घंटे पहले एक औरत को फोन किया गया है, उसका नाम दामिनी है। दामिनी? हाँ दामिनी। क्यों, पहली बार सुन रहे हो? हाँ साहब, पहली बार नाम सुना है। अच्छा। हम तो किसी दामिनी को जानते ही नहीं। दया, लगता है इसकी याददाश्त चली गई है। सच बोलने की दवाई लाई है ना तुमने? हाँ सर। खिलाओ इसे। क्यों साहब, मैं सच बता रहा हूँ, यहाँ से कोई फोन कर ही नहीं सकता, यहाँ से तो मैनेजर। भागते कहो, बड़े मुश्किल से पहुंचे यहाँ तक। क्यों भाग रहे थे? दया, इसे खिलाओ सच बोलने की दवाई। मारो मत, मैं सब कुछ सच बता दूंगा। रूपाली, मयंक। क्या रूपाली और मयंक वापस लेकर आए हम इन दोनों को, क्योंकि खून इन्होंने नहीं किसी और ने। कौन है वो खूनी? खूनी वही है जो पहले दिन से ही जानता था कि स्वाति स्वाति नहीं बल्कि
उदिता है, ये भी ड्रामा करता। उसी आदमी ने स्वाति और उदिता की कहानी लिखी, वही मास्टरमाइंड है इसका। और उसी ने पैसे दिए दामिनी को कि स्वाति नाम की लड़की के नकली पेपर्स वगैरह बनाओ, उसकी झूठी पहचान पैदा करो। और फिर स्वाति और उदिता का ड्रामा भी उसी ने खत्म कर दिया, भेज दिया गिरीश को स्वाति को खत्म करने के लिए। लेकिन ऑफिसर वो है कौन, हमें भी तो पता चले। अभी पता चल जाएगा, अभी पता चल जाएगा। बस मैं चाहता हूं कि वो खुद अपना मुंह खोल दे, क्योंकि अगर दया ने कदम आगे बढ़ाया तो उसका मुंह इतना खुल जाएगा कि फिर बंद करना भी मुश्किल हो जाएगा। लालच ने मुझे अंधा कर दिया। मैंने ही उदिता को पैसे देकर स्वाति बनने के लिए कहा और दामिनी को झूठी पहचान तैयार करने को कहा। अगर इतना लंबा चौड़ा नाटक क्यों किया? जब स्वाति 6 साल की थी तो मेरे पिताजी ने सारी प्रॉपर्टी उसके नाम कर दी थी और उसमें यह भी लिख दिया था कि जब वो 22 साल की होगी तो सारी प्रॉपर्टी उसकी हो जाएगी। और इसीलिए तुमने उदिता को स्वाति बनाया ताकि सारी जायदाद तुम अपने नाम कर सको। जी। तो फिर तुमने उदिता का खून क्यों किया? उसने मुझसे धोखा किया, उसने जायदाद मेरे से मना कर दिया। तो मैंने गिरीश से कहा कि जा, जा और खत्म कर दे उसे। और गिरीश ने मार दिया उदिता जब सारे यात्री सो गए थे। बलवंत, पैसा ही सब कुछ नहीं, इज्जत भी कोई चीज होती है। तुमने तो पैसों के लालच में अपनी इज्जत भी खो दी। जेल में चक्की पीसने के पैसे मिलते हैं, जिंदगी भर गिनते बैठे। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।